तो यार मेरे भाई लोग, मैं फिर से आ चुका हूँ और एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके वापिस। और मैं बहुत दिनों बाद थर्ड हिल जा रहा हूँ, क्योंकि देखो जब ईस्ट पोर्ट से या और किसी हॉट ड्रॉप के ऊपर से अगर फ्लैट रूट जाता है तो मेरा मन नहीं होता थर्ड हिल आने का। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप अगर एनिमी को निपटाने के बाद जोन जाना चाहते हो या गाड़ी लेके कहीं जाना चाहते हो, तो यहाँ पर गाड़ी नहीं मिलता, बहुत दूर भाग के जाना पड़ता है। तो ये मैं थर्ड हिल ज़्यादा नहीं उतरता, और मैं यहाँ पर शायद से एक दो बंदे आते हैं और उतरते ही भाई मुझे एक गन तो ठीक ठाक मिल जाता है, जो कि M4, और वेक्टर तो जो कि कोई कभी काम नहीं आता। अब देखो यार, मैं यहाँ पर बंदों को तलाश कर रहा था, क्योंकि ये मैं सोलो खेल रहा था, ठीक है। और जो दो तीन बंदे उतरे थे, मैं सबको ढूंढ रहा था। और भाई सच बताऊँ तो मैंने दो तीन घर यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन भाई बंदे लोग कतई कैम्प कर रहे थे। मैं छत पे गया, यहाँ पर भी कोई नहीं। तो मैं भाई गेम खेलने का टाइम सोच रहा था भाई बंदे लोग कहीं भाग तो नहीं गए, लेकिन भाई देखना क्या ही स्कैम हो जाता है। पर भाई यहाँ पर मेरा एम बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था, बंदे पे एम ही नहीं लगा पाया था। हो सकता है भाई अभी मर जाता अगर ये बंदा थोड़ा एम सही कर लेता तो। फिलहाल इस बंदे को निपटा ही थे। अब भाई ये चीज़ मुझे गलत बहुत लगता है कि बंदे लोग एक दो घन लेके भाई ऊपर घर में चढ़े हुए रहते हैं। मैंने अभी स्कोप करके दिखाया ना, पहला जो मुझे डैमेज पड़ा था ऊपर से, वही बंदे ने मुझे जो डैमेज दिया भाई, वो कैंपर था बहुत बड़ा। और यहाँ पर मैं पेन किलर मार रहा था, क्योंकि आपको भी ठीक है सॉलो खेल रहे हो तो भाई हमेशा हेल्थ रखना। और यहाँ पर और एक बंदा आ जाता है भाई, शायद से यही बंदा था, ये थर्ड पार्टी करने आया था, क्योंकि आया था जो इस बंदे को तो निपटाने में मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। बंदा सीधा सीधा आ गया और बैठ गया, बोला कि भाई तू मुझे मार दे, तो मैंने भी इसको निपटा दिया। आपने शायद से किल फीड देखो, एक बंदे को S686 से मार दिया, और आपने साउंड भी शायद से सुन लिया। अब मैं इस जगह पे आ जाता हूँ, क्योंकि इस बंदे को मुझे निपटाना था। मैं पहले तो एक स्टन करता हूँ, वो अंधा हो जाए, नेट था लेकिन मैं फिर भी एक स्टन करता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि उस बंदे के पास शॉर्ट गन है, हालांकि भाई एस्टोल के नहीं है, फिर भी भाई S686 भी भाई बहुत ख़तरनाक गन है, वो भी एस्टोल के को टक्कर दे सकता है। तो मैं यहाँ पर एक नेट किया जो कि काम आ जाता है, और इस बंदा निपटा देता है यार इसे। क्योंकि देखो ये यहाँ पर TP भी लेता है, और शॉर्ट गन जो यूजर होते हैं, मतलब जो शॉर्ट गन लेके बैठे होंगे ना, ये ऐसे जगह पर TP भी लेंगे, क्योंकि शॉर्ट गन का एडवांटेज यही होता है। और भाई यहाँ पर और एक बंदा देख रस रस कर देता है मेरे ऊपर, और मैं भाई यहाँ पर बहुत ही गंदा वाला बचा। और यहाँ पर मैं बहुत ही पैनिक हो गया था, क्योंकि उसके पास शॉट गन है तो मुझे निपटा देगा बहुत इजीली, लेकिन देखो अब इसको कैसे निपटाते हैं। और भाई इस बंदे को मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बंदा थोड़ा ठीक था, क्योंकि ये बंदा थोड़ा भला मनुष्य था। क्योंकि देखो वो भाई एस्टोल के था, फिर भी वो मुझे एयर गन से ही मार रहा था, तो इसलिए बोल रहा था ये भला मनुष्य था। और यहाँ पर ये जो बॉट था भाई, ये बॉट ने भाई मुझे, सच बता रहा हूँ, यहाँ पर मुझे बचा लिया, नहीं तो शायद से ये बंदा मेरा पीछे पड़ जाता। ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी फर्स्ट एड लूटा भाई, गला ख़राब है थोड़ा। अच्छा मेरा तो वॉइस ओवर में ज़्यादा जाना मत, थोड़ा गला ख़राब है, ठंड लग गई है मुझे। यहाँ पर मैं ड्रिंक वगैरह मारता हूँ, और ये बंदा थोड़ा गलती कर देता है, TPP के अगेंस्ट आ जाता है। और भाई वो बंदा अगर शॉट गन एस्टोल के अगर स्विच ना करके, एस्टोल के स्विच करके अगर AKM से ना मारता, हो सकता है भाई मैं मर जाता उधर।
अब देखो मैं यहाँ से जो नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ से एक डासिया देख के भाई मैं थोड़ा इसको स्प्रे मारता हूँ। और देख लो भाई, गंदा स्प्रे बोल सकते हो भाई, कोई बहुत ही घटिया स्प्रे। इतना दूर से किसी को मारना पबजी लाइट पे, वो भी इतना लो डैमेज, पता नहीं भाई एम लगेगा ही नहीं इतना दूर से। कोई अगर मार दे तो भाई वो भगवान है भाई, मैं उसे भगवान ही बोलूँगा। इतना दूर से अगर 6x के साथ मार दे इतना दूर, आपने शायद से सुन ही लिया कि AWM चल रहा था। मतलब अब देखना ये बंदा कतई AWM ऑटो पे चला रहा था। अब देखना भाई कितना AWM चला था, किसके ऊपर एंगल ले रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखना भाई कितना ही AWM चलाएगा ये बंदा। आप सोच रहे हो कि भाई 2-3 AWM तो चलाया और तू बोल रहा है कितना। भाई वो मैंने थोड़ा सीन कट कर दिया भाई, बहुत ही चला रहा था वो बंदा। अब देखो वही बंदे को मैं ढूंढ रहा था भाई, किधर है वो बंदा, मिलता है मुझे इधर, जो कि डैमेज होता है। और यहाँ पर मैं एक नेट का पिन खींचता हूँ तो वो बंदा डर के नीचे चला जाता है, और जो कि मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है उसको मारने में। इस बंदे को मैं निपटा देता हूँ। इसके पास AWM था, मैंने लास्ट थोड़ा मैंने सोचा अगर लास्ट पे बंदों के पास अगर शॉट गन हुआ तो 2-2 AR बहुत काम आता है। फिर भी सोचा भाई नहीं भाई, इस बार उठा ही लेते हैं स्नाइपर, बहुत कम चलाता हूँ, लास्ट सिचुएशन है तो भाई बंदे लोग साफ बने होंगे तो मानने में थोड़ा ईजी होगा मुझे। तो यार उसके बाद मैं गाड़ी लेके ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा भी था, ऊपर का एडवांटेज भी मुझे लेना था। और भाई देखना भाई यहाँ पर मुझे नूप मत बोल देना, क्योंकि भाई मैं स्नाइपर मैं गरीब हूँ थोड़ा, मतलब गरीबों वाली स्नाइपिंग है मेरी, तो ज़्यादा जज मत करना। इस बंदे को शायद से पता चल गया था कि भाई मेरे पास AWM है, तो मैं यहाँ पर एक नेट करता हूँ। लेकिन भाई इस बंदे के साथ ही स्कैम हो जाता है, जिसको मैं नेट करने का ट्राई करता हूँ। और भाई मैं इधर उधर थोड़ा देख रहा था, क्योंकि सोलो है तो कहीं से भी थर्ड पार्टी हो सकता है। किल फिर देखना भाई, एक बंदे ने उस बंदे को पेल दिया, शायद से ये बंदे ने, मैं जिस बंदे को टारगेट कर रहा था उसको पेल दिया। और इस बंदे के पास होता है कार 98, तो मुझे इतना भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि कार 98 है भाई, AWM के सामने कुछ नहीं है। और इस बंदे को मैंने एक शॉट चिपकाया था, उसके बाद ये बंदा भाई पीक नहीं दे रहा था, थोड़ा थोड़ा दे रहा था। लेकिन भाई मेरा जो ये गरीबों वाली स्नाइपिंग है ना, यही मुझे इसी वजह से ही मैं मार नहीं पाता इसे भाई, इतना अच्छे कुछ नहीं भाई। अब देखना यही बंदा एक बार और एक बार मुझे पीक देता है, लेकिन भाई इस बार थोड़ा मेरा सामने था तो इजी था मारने के, हेडशॉट लग जाता है लॉन्डे को। और इसके आउटफिट पे भाई मत जाना, ये नूप नहीं था। कभी कभी भाई अच्छे बंदे भी ऐसे नूप वाली आउटफिट पहन के आते हैं, क्योंकि भाई इसका मूवमेंट देख के भाई मुझे नूप नहीं लग रहा था। और देखो यहाँ पर एक बंदा होता है, इसको भाई नूप बोल सकते हो, क्योंकि इसका मूवमेंट देख के मुझे थोड़ा ये नूप टाइप का लग रहा था। और इसको भी भाई महेंद्र भाई को भी हमने यहाँ पर फेल दिया। और एक लास्ट वाला बंदा होता है, जिसको कि मैंने सोचा भाई इसको जोन में आने देते हैं यार, उसके बाद इसे फेलेंगे पेन से या कुछ मजे लेंगे इसके साथ। लेकिन भाई मैंने सोचा नहीं, जोन इसे तगड़ा वाला काट रहा था, तो मैंने सोचा नहीं भाई फेल ही देते हैं। और वीडियो भाई जिसको भी पसंद आ रहा है ना भाई, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करना और अपना चैनल भी थोड़ा आगे जाए। और सामने और एक मॉन्टेज है, वो भी जरूर देख के जाना। मैं मिलता हूँ कल आपसे, तब तक के लिए बाय। You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all the shiny parts to a fucking graveyard. 6 feet under. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly, hand your boy the trophy, patience is holy moly. I've got a hand on
Michael hates snow, I'm forced like a Moby. You know the one Kenobi, force fed baloney by phonies. Just wanna rule the world, call me Mrs. Steel Girl. Easy gave me the referral, now he's worried about a jail. Yeah, coming now strong, I've been here for a long time. Started off online, finish off all time. They can call me crazy cause I rap like I got rabies. I'm confident, not lazy, and I'm dominating lately. She won't be like some babies, I'ma give it to these ladies. Like I'm entering my 80s, still I'm pushing up daisies. Don't wanna test your luck.